ग्रहण काल में इन चार राशियों की लगेगी लॉटरी, ऐसे बदल जाएगी किस्मत। आज चंद्र ग्रहण की रात आने वाली है। साल का ये पहला चंद्र ग्रहण काफी असर डालने वाला है। इसे कोई सुपर मून कह रहा है तो कोई ब्लू मून तो कोई ब्लडी मून कह रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह ग्रहण अलग अलग स्थानों में तीन रंगों में दिखाई देगा। अगर हम भारत की बात करें तो 31 जनवरी को यह ग्रहण भारत में भी दिखेगा और इसका भी पड़ेगा। भारत में यह चंद्र ग्रहण बुधवार को शाम 6:22 से शुरू होकर रात 8:42 तक रहेगा। इस ग्रहण की सबसे खास बात यह है कि इसका असर 108 दिनों तक रहेगा। आपको बता दें कि ज्योतिष इस ग्रहण को बेहद अशुभ मान रहे हैं। ऐसे में सिर्फ उपाय करके ही आप इस ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से बच सकते हैं। लेकिन इस ग्रहण में एक बेहद शुभ मुहूर्त भी है। दरअसल 31 जनवरी को ही सर्व पवित्र माघ पूर्णिमा का पर्व भी मनाया जाएगा। माघ माह की पूर्णिमा को 32 पूर्णिमा भी कहा जाता है। शास्त्रानुसार प्रयागराज के लिए यमुना के संगम पर ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, रुद्र, आदित्य व मरुगुण माघ मास में गमन करते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन सभी देवी देवता अंतिम बार स्नान करके अपने लोकों को प्रस्थान करते हैं। इस दिन संगम प्रयाग की रेत पर स्नान करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। माघा नक्षत्र के नाम पर माघ पूर्णिमा की उत्पत्ति होती है। माघ माह में देवता पितृगण सदृश होते हैं। इस दिन पितृगण के निमित्त स्वर्ण, तिल, कंबल, पुस्तकें, पंचांग, कपास के वस्त्र और अन्नादि दान करने से सुकृत्य मिलता है। प्रयाग में माघ पूर्णिमा के दिन स्नान करने से जो फल मिलता है वह फलपरी हवि में 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं होता। पद्मपुराण के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन श्रीहरि का पूजन करने से कार्यक्षेत्र में सफलता मिलती है, विवादों में जीत हासिल होती है व इस दिन विधिवत शिव पूजन करने से संतान और सौभाग्य प्राप्त होता है। जहां यह ग्रहण मेष, कर्क, कन्या और मीन राशियों के लिए अशुभ बताया जा रहा है तो वहीं इस योग में इन राशियों के पास विशेष कृपा हासिल करने का बेहद शुभ समय होगा। हालांकि इस ग्रहण के दौरान इन राशियों को वो सारे काम वर्जित हैं जो ग्रहण काल में नहीं करने चाहिए। ग्रहण खत्म होने के बाद इन चारों राशियों के जातक हरे वस्त्र पर श्रीहरि व महेश्वर के चित्र की स्थापना कर विधिवत पूजन करें। कांसे के दिए में गौघृत का दीप करें, सुगंधित धूप करें, गोरोचन से तिलक करें, मिश्री अर्पित करें व तिल मिश्रित मीठी रोटी का भोग लगाएं।